गुड मॉर्निंग हिमाचल। सुबह की ताजा खबरों पर नजर डालेंगे इस बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। मेडिकल कॉलेज नाहन के प्रशासनिक ब्लॉक में भड़की आग। यहां जाम लगना आम बात, वाहनों से बाजार पैक। अन्न त्याग तिरंगा यात्रा रवाना, 22 को पहुंचेगी शिमला। और अब खबरें विस्तार से। सिरमौर जिला के नाहन स्थित डॉक्टर यशवंत सिंह परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में गत रात उस वक्त एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जब मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक ब्लॉक में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग भड़क गई। बताया जा रहा है कि रात करीब 3 बजे अचानक सुरक्षा कर्मियों को प्रशासनिक ब्लॉक के अंदर स्थित रसोई से धमाकों की आवाज सुनाई दी। जब तक सुरक्षा कर्मी कुछ समझ पाते, तब तक शॉर्ट सर्किट से मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक भवन की सीलिंग में आग भड़क चुकी थी। सूचना मिलते ही मेडिकल कॉलेज के सुरक्षा कर्मियों ने अग्निशमन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद अग्निशमन विभाग व मेडिकल कॉलेज के सुरक्षा कर्मियों ने संयुक्त प्रयास से आग पर काबू पाया। मेन बाजार गोहर में वाहनों का जाम लगना आम बात हो गई है। वाहनों के अधिक दबाव होने से पूरा बाजार गोहर में काफी देर तक जाम लगा रहता है, जिससे जहां एक ओर स्थानीय दुकानदारों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है, वहीं वाहन चालकों सहित सवारियों को भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। व्यापार मंडल गोहर के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रदेश पंजीकृत व्यापार मंडल के प्रेस सचिव रमेश शर्मा, स्थानीय दुकानदारों व कई जनप्रतिनिधियों ने सरकार से मांग की है कि गोहर चौक में प्राथमिकता के आधार पर ट्रैफिक लाइट स्थापित की जाए, ताकि दोनों ओर से आने वाले वाहनों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। सुवर्ण समाज के विभिन्न संगठनों द्वारा निकाली गई अन्न त्याग तिरंगा यात्रा आज दूसरे दिन ओट से रवाना हुई। यह तिरंगा यात्रा कुल्लू से शुरू हुई। रात्रि ठहराव ओट में करने के बाद सुवर्ण समाज के कार्यकर्ता आज सुबह ओट से शिमला की ओर निकले। इस मौके पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र ठाकुर ने बताया कि उनकी यह यात्रा कुल्लू से शिमला 240 किलोमीटर की पैदल यात्रा रहेगी, जिसमें स्वर्ण संगठनों के 2 कार्यकर्ता ने पूर्ण रूप से अन्न त्याग रखा है। उन्होंने बताया कि वे अभी सिर्फ पानी ही पी रहे हैं। 22 तारीख को वे शिमला पहुंचेंगे। यदि प्रदेश सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं करेंगी तो वे जल का भी त्याग कर देंगे। जी, सबसे मॉर्निंग बुलेटिन में इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।